अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रवासी पक्षियों पर ड्रोन की नजर, बर्ड वॉचर की 15 टीमें तय। प्रदेश स्तर पर बाल स्कूल मंडी ने चमकाया नाम, एकांकी में पाया प्रथम स्थान। नशा मुक्ति अभियान का आगाज, रैली निकाल दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, तथा टीमों का गठन करने के अलावा ड्रोन से भी प्रवासी पक्षियों पर नजर रखी जाएगी। अभी तक झील में करीब 35,000 प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। वन्य प्राणी विभाग ने शुरू में देहरा और नगरोटा सूर्या में 2 टीमों का गठन किया था, लेकिन पक्षियों की संख्या बढ़ने के साथ ही पौंग झील को 15 बीट में विभाजित करके बर्ड वॉचर की 15 टीमों का गठन कर दिया है, जो दूरबीन के साथ पक्षियों की सुरक्षा में दिन रात चौकस रहेंगे। ड्रोन की सहायता से प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार पर रोक लगाने में वन्य प्राणी विभाग कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है, और पिछले 4-5 सालों से अवैध शिकार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। बाल स्कूल मंडी के छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने पर स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधन द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। चौपाल शिमला में 16 से 17 तक एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 750 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मंडी बाल स्कूल ने शिमला की टीम को पछाड़ कर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि नेशनल लेवल की प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। वहीं स्कूल के DPI ने बच्चों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए इसी तरह विद्यालय का नाम रोशन करने को कहा। प्रधानाचार्य जय श्री कपूर बॉय स्कूल मंडी अपने समस्त अध्यापकों को, खासकर शारीरिक शिक्षा अध्यापक श्री जितेंद्र यादव जी, उनके साथ गए जो बच्चे हैं, सबको बधाई देती हूँ। ये बहुत प्राउड मोमेंट्स हैं हमारे स्कूल के लिए। ये बच्चे स्टेट में 1F प्ले में जो है फर्स्ट आए हुए हैं, और इसी के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र कुमार यादव, DP राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालक मंडी। आज हमारे बच्चों ने राज्य स्तर के कल्चर प्रोग्राम में जिला शिमला नेरवा चौपाल में मंडी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे विद्यालय के 19 छात्रों ने मंडी जिला का प्रतिनिधित्व किया, और जिसमें हमारे 1 Act Play में इन बच्चों ने पूरे प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय का और जिला मंडी का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता पूरे प्रदेश भर की नेरवा चौपाल में संपन्न हुई, जिसमें हमारे बच्चों ने एकांकी प्रतियोगिता यानी 1 Act Play में मंडी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, और जो कि हमारे सांप्रदायिकता के ऊपर थीम थी इसकी, और बच्चों ने बहुत अच्छा एक्ट प्ले करके पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए शनिवार को हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान का आगाज धीरा में किया गया। क्षेत्र की जनता को जागृत करने के लिए संजय सिंह चौहान ने एक नशा मुक्ति अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धीरा के बच्चों एवं स्टाफ के अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कर्मी शामिल रहे। नशे को अपनाओगे, नशे को अपनाओगे, नशे को अपनाओगे।
आज दोपहर में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रवासी पक्षियों पर ड्रोन की नजर, बर्ड वॉचर की 15 टीमें तय। प्रदेश स्तर पर बाल स्कूल मंडी ने चमकाया नाम, एकांकी में पाया प्रथम स्थान। नशा मुक्ति अभियान का आगाज, रैली निकाल दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, तथा टीमों का गठन करने के अलावा ड्रोन से भी प्रवासी पक्षियों पर नजर रखी जाएगी। अभी तक झील में करीब 35,000 प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। वन्य प्राणी विभाग ने शुरू में देहरा और नगरोटा सूर्या में 2 टीमों का गठन किया था, लेकिन पक्षियों की संख्या बढ़ने के साथ ही पौंग झील को 15 बीट में विभाजित करके बर्ड वॉचर की 15 टीमों का गठन कर दिया है, जो दूरबीन के साथ पक्षियों की सुरक्षा में दिन रात चौकस रहेंगे। ड्रोन की सहायता से प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार पर रोक लगाने में वन्य प्राणी विभाग कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है, और पिछले 4-5 सालों से अवैध शिकार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। बाल स्कूल मंडी के छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने पर स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधन द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। चौपाल शिमला में 16 से 17 तक एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 750 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मंडी बाल स्कूल ने शिमला की टीम को पछाड़ कर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि नेशनल लेवल की प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। वहीं स्कूल के DPI ने बच्चों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए इसी तरह विद्यालय का नाम रोशन करने को कहा। प्रधानाचार्य जय श्री कपूर बॉय स्कूल मंडी अपने समस्त अध्यापकों को, खासकर शारीरिक शिक्षा अध्यापक सिंधी चंद्र यादव जी, उनके साथ गए जो बच्चे हैं, सबको बधाई देती हूँ। ये बहुत प्राउड मोमेंट्स हैं हमारे स्कूल के लिए। ये बच्चे स्टेट में वन एक्ट प्ले में जो है फर्स्ट आए हुए हैं, और इसी के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्येंद्र कुमार यादव, DP राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालक मंडी। आज हमारे बच्चों ने राज्य स्तर के कल्चर प्रोग्राम में जिला शिमला नेरवा चौपाल में मंडी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे विद्यालय के 19 छात्रों ने मंडी जिला का प्रतिनिधित्व किया, और जिसमें हमारे वन एक्ट प्ले में इन बच्चों ने पूरे प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय का और जिला मंडी का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता पूरे प्रदेश भर की नेरवा चौपाल में संपन्न हुई, जिसमें हमारे बच्चों ने एकांकी प्रतियोगिता यानी वन एक्ट प्ले में मंडी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, और जो कि हमारे सांप्रदायिकता के ऊपर थीम थी इसकी, और बच्चों ने बहुत अच्छा एक्ट प्ले करके पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए शनिवार को हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान का आगाज धीरा में किया गया। क्षेत्र की जनता को जागृत करने के लिए संजय सिंह चौहान ने एक नशा मुक्ति अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धीरा के बच्चों एवं स्टाफ के अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कर्मी शामिल रहे। नशे को अपनाओगे, नशे को अपनाओगे, नशे को अपनाओगे।
आज दोपहर में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।